अब तू जमीन पे चिपके, पानी में डूबे या फिर आसमान में जाके टंग जा, पर तुझे माफी तो नहीं मिलने वाली। कहे कि सबको पता चल चुका है कि तू कितनी बड़ी झूठी है। और हाँ, अगर तू कृष्णा जी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है, तो उनके परिवार की खुशी के लिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती है कपिल। सुहागन सीरियल के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से कृष को जब दिखता है कि पायल तो पानी में डूबने वाली है, तो यहाँ पर कृष भागा भागा जाता है। लेकिन इसी बीच बिंदिया और बाकी परिवार वाले कृष्णा को रोक लेते हैं और बिंदिया जाती है पानी में और पायल को कृष के लिए बचाती हुई दिखाई देती है। सही कहा तूने, हमारा कोई हक नहीं है इस घर में रहने का, जा रहे हैं हम। चली जा। रुक जाओ पायल। नहीं पायल, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, हमारे घर में। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से पायल को कृष घर तो लेकर आ गया है, लेकिन यहाँ पर कृष ने एक चीज जो है घर वालों के सामने बोल डाली है कि मैं जैसा भी हूँ पायल मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पायल मुझसे प्यार करती है और मैं आप लोगों को साबित कर दूंगा कि पायल मेरी शौहरत या फिर पैसों पर नहीं मरती है। क्या हो गया है आप लोगों को? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को इसका दर्द? क्यों आप लोगों को सब कुछ झूठी लग रहा है? अरे अगर एक बार किसी ने झूठ बोल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारी जिंदगी के लिए वो झूठा बन गया। और पापा, एक मौका तो सबको मिलता है ना। वो अपने अंगूठी उतारता है, अपना वॉलेट दे देता है, जो भी सोना चांदी होता है वो त्याग देता है, क्योंकि वो अपने दम पर कुछ करना चाहता है। इसलिए चाहे वो मजदूरी करे, चाहे कुछ भी काम करे, लेकिन वो करेगा, अपने दम पर पायल को खिलाएगा रोटी और यहाँ पर पायल को देना होगा उसका साथ। अब क्या ये एक प्लान है कि पायल की सच्चाई सबके सामने आ जाए? क्या बिंदिया और कृष मिलकर प्लान बना रहे हैं, या फिर पायल जो है सच में अब कृष में इतना लीन हो जाएगी या सच में बदल जाएगी, या फिर वो हार मान लेगी? क्योंकि जो हमने पायल का रूप देखा है वो जमीन जायदाद और दौलत शौहरत पर ही मरती हुई दिखाई देती है, ना ही उसे कृष से प्यार है और ना ही उसके घर वालों से प्यार है। तो आने वाले एपिसोड में पायल का सच सबके सामने आ सकता है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।